ARMS की हिंदी की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक का जो व्याकरण का जो पॉइंट है संज्ञा, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो पहली बात ये है कि संज्ञा किसको कहते हैं। अपन अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं वगैरह देखते हैं, जितने भी नाम हैं, स्थान, वो सारी की सारी संज्ञाएं। जैसे देखो, पंखा है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है, कपड़ा है, पुस्तक है, बैग है, ये सारी संज्ञाओं के उदाहरण हैं। संज्ञा की परिभाषा अपन देखें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? वैसे देखा जाए तो संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको संज्ञा के 5 प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। पहला प्रकार है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति या स्थान को उसके नाम से पुकारते हैं, एडजेक्टिव जो नाम है उसका उस नाम से पुकारते हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली को दिल्ली के नाम से ही अपन पुकारेंगे। राम है, मोहन है, आगरा है, ये अपने विशेष नाम है उसी नाम से पुकारते हैं, तो वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को उसके नाम से न पुकार करके बल्कि उसके समुदाय या कैटेगरी का ये नाम से पुकारते हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे राज्य है, बेटा है, भाई, क्षेत्र। तीसरा जो संज्ञा का प्रकार है वो आता है समूहवाचक। जब एक से अधिक वस्तु व व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टीम होती है, टीम कभी भी एक नहीं होती है, दो होती है, तो वो समूह हो गया। परिवार है, परिवार में एक ही सदस्य नहीं होता है बल्कि उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, एक समूह होता है, समूह विशेष। तो जिसमें समूह पाया जाता है तो वो क्या होती है, एक तरह से समूहवाचक संज्ञा। चौथा इसका प्रकार है पदार्थवाचक। जब हम कच्चा माल या धातु से क्या करते हैं, किसी विनिर्माण करके दूसरी चीज़ बनाते हैं या कोई सामान तैयार किया जाता है, तो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। पांचवा आता है कैटेगरी इसका भाववाचक संज्ञा। वैसे देखा जाए तो अपन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 संज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इन दो को क्या इसी की कैटेगरी के अंतर्गत मैंने इनको अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया है। हमारे अंदर, मन के अंदर जितने भी भाव वगैरह होते हैं, जैसे गुस्से का भाव है या हंसने का भाव है, रोने का है, या अपन को प्यास लगी या भूख लगी है, ये सारे, या मैं किसी से लगाव रखता हूँ, किसी से प्रेम करता हूँ, तो ये सारे भाव का जो अपन को पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके।